दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ई कॉमर्स ग्रोसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट पर रजिस्ट्रेशन करना सीखा। यदि आपका ग्रोसरी का बिजनेस है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टुडे मेकर। दोस्तों यदि आप ट्रेवल एजेंट हो, आप बस सर्विस प्रोवाइड करते हो, होटल का बिजनेस है या आप हॉलीडे या ट्रेवल पैकेजेस सेल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो के ज़रिए सीखोगे कि yatra.com पर किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यदि आप yatra.com की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो वह प्रोसेस भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो आपके पास में आते रहें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उस लिंक पर आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले हम यात्रा फॉर बिजनेस के बारे में बात करेंगे। यात्रा फॉर बिजनेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, यदि आपने मेरी मेक माई ट्रिप की वीडियो देखी होगी आपने जाना होगा कि मेक माई ट्रिप फॉर बिजनेस क्या है। उसी तरीके का यात्रा फॉर बिजनेस भी उसी तरीके का एक प्लान है या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पैकेज है जो सबसे ज़्यादा बिजनेस ट्रेवल करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यात्रा फॉर बिजनेस पर किस तरीके से साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं, वह हम सीखेंगे। तो यात्रा फॉर बिजनेस पर हम क्लिक करेंगे। यात्रा फॉर बिजनेस पर क्लिक करने के बाद में या तो हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देकर कंटिन्यू करेंगे या फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यात्रा फॉर बिजनेस जो बिजनेस ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी बिजनेस ट्रेवल ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए किस तरीके का बेनिफिट है वह हम एक बार देख लेते हैं। फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए अगर उनका 2 करोड़ से भी कम स्पेंड होता है ट्रिप के अंदर और 1000 से भी कम ट्रिप होती हैं ईयरली तो उनको इस तरीके के बेनिफिट हैं, ये बेनिफिट आप रीड कर लेना। और फॉर लार्ज बिजनेस जिनका बड़ा बिजनेस है जो ईयरली 1000 से ज़्यादा ट्रिप्स करती हैं और उस पर स्पेंड करती है 2 करोड़ से ऊपर तो उनको इस तरीके के बेनिफिट मिलेंगे। तो आप एक बार इनको रीड कर लेना आपके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस किस तरीके का है और आप किस तरीके से बिजनेस ट्रेवल करते हो और कितना उस पर स्पेंड करते हो। फिर हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में साइन अप फॉर यात्रा फॉर बिजनेस, तो यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है तो वह डिटेल्स हमको फिल करनी है। तो वो किस तरीके से फिल करेंगे, सबसे पहले मिस्टर नेम हम यहाँ पर एंटर करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में कंपनी की डिटेल्स देनी है, कंपनी का नेम, कंपनी का जो एड्रेस है वह हमें यहाँ पर एंटर करना है और GST स्टेट एंटर करना है कि GST जो लिया हुआ है कंपनी का वह कौन से स्टेट के अंडर में लिया हुआ है। फिर सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, पिन कोड हमको यहाँ पे एंटर करना है। यदि आप अपना बिजनेस अलग अलग मल्टीपल GST के जरिए करते हो तो वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। एनुअल ट्रेवल स्पेंड कितना करते हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर यात्रा फॉर बिजनेस अकाउंट, तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमें यहाँ पर एंटर करनी है, मोबाइल नंबर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और फिर हमें पासवर्ड क्रिएट करना है और री एंटर पासवर्ड क्रिएट करना है। यदि आपके पास में रेफरल कोड है तो आप यहां पर एंटर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर हम आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद में साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा यात्रा फॉर बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो गया है। हम लॉगिन कर उस अकाउंट के जरिए फ्लाइट, बस, ट्रेन या जो भी सर्विस हैं हम उसके जरिए, उस अकाउंट के जरिए हम बुक कर सकते हैं और हमें बिजनेस से रिलेटेड yatra.com से जो भी बेनिफिट्स हैं वह हमें मिलेंगे। तो ये तो था यात्रा फॉर बिजनेस कि हमारा अगर अच्छा खासा बिजनेस है, हमारा ट्रेवल ज़्यादा होता है तो हम किस तरीके से यात्रा फॉर बिजनेस अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम एज ए पार्टनर कैसे जुड़े yatra.com से और किस तरीके से उससे जुड़कर हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, अपना इनकम जनरेट करें, तो सबसे नीचे जो पार्टनर विथ यात्रा है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में
अप्रोक्स 8 तरीके से हम yatra.com से जुड़ सकते हैं एज ए पार्टनर। तो वो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ट्रेवल एजेंट साइनअप। यदि आप ट्रेवल एजेंट हो और yatra.com पर एज ए ट्रेवल एजेंट जुड़ना चाहते हो तो आपको ट्रेवल एजेंट का एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो वह किस तरीके से करते हैं मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। ट्रेवल एजेंट साइनअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें लॉगिन के लिए पूछ रहा है, पर हमें रजिस्टर करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का फॉर्म हमारे सामने आया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले कंपनी का नेम, ट्रेवल एजेंट हो कोई कंपनी आपने रजिस्टर कर रखी है तो आप यहाँ पर कंपनी का नेम एंटर करोगे, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर टाइटल, टाइटल में भाई मिस्टर, मिसेज, मिस या डॉक्टर। कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आपका एंटर करोगे, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम एंटर करोगे। लैंडलाइन नंबर है आपकी कंपनी का तो वह आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या अदर कोई एड्रेस प्रूफ है तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में एड्रेस हमें एंटर करना है, जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस है। कंट्री, हमारी जो भी कंट्री है वह एंटर करनी है। स्टेट, सिटी, पिन कोड हमें एंटर करना है। रेफरल बाय, अगर कोई रेफरल नंबर है या किसी का रेफरेंस देना चाहते हो तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जो भी आप जिसमें आपका पूरा एड्रेस दिया हो कंपनी का, वह सर्टिफिकेट यहाँ पर एंटर करना है। फिर हमें पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना है, पैन कार्ड पर जिस होल्डर का नाम है वह यहाँ पर एंटर करना है, और पैन कार्ड की जो भी फ़ोटो है, इमेज है, वह यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद में मंथली सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे एंटर करना है कि कितना आप मंथली में सेल्स कर देते हो। IATA अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। नो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया डॉक्यूमेंट, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप यस करोगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करोगे। डिपॉजिट इंफॉर्मेशन, तो ये डिपॉजिट वाला जो पोर्शन है ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ वही है जहाँ पर ये स्टार लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, आपको ज़रूर फिल करना है। फिर हमें कैप्चा दिया हुआ है, जो ये यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है वही हमें यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज़, टर्म्स ऑफ यूज़ आप रीड करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन जो इनकी होंगी वह रीड कर सकते हो, नहीं तो आप इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक होते ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे। इस तरीके से एज ए ट्रेवल एजेंट आप yatra.com पर रजिस्टर कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रेवल एजेंट का, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे चेक कर सकते हो। ये तो हो गया एज ए ट्रेवल एजेंट कि हम किस तरीके से yatra.com पर जुड़ सकते हैं। इसके बाद में है रजिस्टर योर होटल। जो भी व्यक्ति होटल का बिजनेस करता है उसके लिए ये बेस्ट वे है कि होटल की इनकम को किस तरीके से इंक्रीज़ की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग किस तरीके से ली जाए। तो हम रजिस्टर योर होटल पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर योर होटल पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का फॉर्म हमारे सामने आया है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। हम अपने होटल को किस तरीके से यहाँ पर रजिस्टर करेंगे अब वह प्रोसेस हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले अबाउट योर होटल, यानी नेम ऑफ द होटल, नेम ऑफ द होटल जो भी आपका होटल का नेम है वह यहाँ पे एंटर करना है। होटल कौन सी सिटी में है वह एंटर करना है। स्टेट क्या है वह एंटर करना है। एड्रेस होटल का यहाँ पे देना है। पिन कोड हमें यहाँ पे एंटर करना है। कंट्री हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आपके होटल का वेबसाइट है होटल के नाम से तो आप यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। मोबाइल नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर यहाँ पर एंटर करना ज़रूरी है, हर होटल में टेलीफोन ज़रूर होता है तो वह एंटर करना ज़रूरी है। फैक्स नंबर अगर है तो वह यहाँ पे एंटर कर सकते हो, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। चेक इन चेक आउट टाइम यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं कि स्टार कैटेगरी, यदि आपका होटल 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, इसके अंडर में आता है तो आप यहाँ पर अपने होटल का स्टार रेटिंग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर आप मेंशन करोगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप मेंशन करोगे। आपके होटल के बारे में छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी होटल का ओनर है या होटल को संभाल रहा है, मैनेजर है, उसकी डिटेल हम यहाँ पर एंटर करेंगे। योर नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर,
फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके बाद में अपलोड होटल इमेजेस, तो होटल इमेजेस हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। साइज 500 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और GIF में होनी चाहिए, JPG में होनी चाहिए, PNG में। आप अपने जो भी होटल है उसका फ़ोटो इमेज यहाँ पर अपलोड करोगे। कौन कौन सी इमेज आपको अपलोड करनी है तो वह यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको होटल का एक्सटीरियर व्यू देना है, उसकी इमेज क्लिक करवानी है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर से ही क्लिक कराएं और उसको यहाँ पर अपलोड करें। फिर रिसेप्शन या लॉबी की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी है इमेज पर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। फिर रूम 1 फर्स्ट रूम की जो भी इमेज है उसको अपलोड करेंगे और फिर सेकंड रूम की इमेज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का हम यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। और अनदर फैसिलिटी जो भी है आपके होटल में कि आपको लगे कि उसकी इमेज मुझे अपलोड करनी चाहिए, वह यहाँ पर आप अपलोड करोगे। फिर हमें ये कैप्चा दिया हुआ है, वह हमें यहाँ पर एंटर करना है, जो भी वर्ड है ये वह हमें यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारा होटल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में yatra.com की टीम आपने जो भी डिटेल दी है उन्हें उसको रिव्यू करेगी और वह आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो ये तो था हमारा yatra.com पर अपने होटल का रजिस्ट्रेशन। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से और भी कौन से तरीके हैं जो जिसके ज़रिए हम yatra.com से जुड़ सकते हैं। रजिस्टर योर होम स्टे, यानी आपके पास में कोई भी होम स्टे है यानी कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको भी हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। यदि आप होम स्टे पर रजिस्टर करना चाहते हो तो इनका एक एंड्रॉयड और iOS दोनों ही तरीके के ऐप हैं, ट्रेवल गुरु के नाम से। तो वह जो ट्रेवल गुरु के नाम से एंड्रॉयड ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी के ज़रिए आप उस पर साइन अप करोगे। यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है इस तरीके का, रजिस्टर योर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले डाउनलोड ट्रेवल गुरु होम स्टे ऐप हमें डाउनलोड करना होगा, फिर वहाँ पर रजिस्टर करना होगा एज ए होस्ट और प्रोवाइड डिटेल्स वगैरह जो भी है, हम जो भी फैसिलिटी देंगे रूम्स के साथ वह हम यहाँ पर एंटर करेंगे। मेंटेन द प्रॉपर्टी, बिल्ड ट्रस्ट, हाउ गेस्ट बुक योर प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से अगर हमारी प्रॉपर्टी है हम उसको रेंट में देना चाहते हैं तो हम yatra.com का ट्रेवल गुरु के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे और मोबाइल के ज़रिए हम उस पर साइन अप होंगे, रजिस्टर करेंगे। इसके बाद में सेल हॉलीडे पैकेजेस, यदि आप हॉलीडे पैकेजेस या ट्रेवल पैकेजेस सेल करते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, हम ज्वाइन एज ए पार्टनर पर क्लिक करेंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करोगे और ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और पासवर्ड क्रिएट करेंगे और कन्फर्म पासवर्ड करके रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है, जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा तो आप यहाँ फिर आप लॉगिन हियर पर क्लिक करोगे और अपना जो भी ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है उसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपना जो भी ट्रेवल प्रोडक्ट है, हॉलीडे प्रोडक्ट है, पैकेजेस हैं, वह हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। अब आगे और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पार्टनर विथ यात्रा पर क्लिक करके और किस तरीके से जुड़ सकते हैं। सेल योर एक्टिविटीज़, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप करते हो जो सेल कर सकते हो तो वो आप इस पर क्लिक करोगे। फॉर्म लगभग इसी तरीके का है जो मैंने पिछला फॉर्म बताया था तो मैं इसको स्किप करूँगा। लिस्ट योर बस इन्वेंट्री, यदि आपकी बस है, आपके पास में बस है, बस का आप बिजनेस करते हो ट्रेवल के लिए या बुकिंग वगैरह लेते हो तो आप अपनी बस की लिस्टिंग यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं बस की लिस्टिंग भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे हम, इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का फॉर्म आएगा, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे और फॉर्म पर आ जाओगे। सबसे पहले टाइटल मिस्टर, मिस, डॉक्टर या प्रोफेशनल जो भी हो, फर्स्ट नेम यहां पर एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी आप एंटर करोगे, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करोगे, योर डेजिग्नेशन यहाँ पर एंटर करोगे, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो कंपनी का नेम, सिलेक्ट ट्रेवल प्रोडक्ट, सोल प्रोप्राइटर हो, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप हम है
तो आप जो भी जिसके भी अंडर में आते हो वह यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। कंपनी की वेबसाइट है तो आप कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर एंटर करोगे, उसका लिंक एंटर कर देना। एनुअल टर्नओवर क्या है वह यहाँ पर एंटर करोगे। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कौन से ईयर में आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है वह ईयर यहाँ पर एंटर करना है। ऑपरेशनल सिटीज़, किस किस सिटीज़ में आप बस की सर्विस देते हो वह सिटीज़ यहाँ पे एंटर करनी है। कंपनी का एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर करना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री। फिर इसके बाद में जो भी ये वर्ड लिखे हुए हैं उसको हमें यहाँ पे एंटर करना है और सेंड पर क्लिक करना है। इसके बाद में yatra.com की टीम फॉर्म है उसे रिव्यू करेगी और वह आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। अब हम आगे और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम yatra.com से जुड़ सकते हैं। लिस्ट बिजनेस हो गया, सेल योर एक्टिविटीज़ बता ही दिया, एडवर्टाइज विद अस, अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हो अपने बिजनेस का yatra.com पर तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। बिकम ए यात्रा फ्रेंचाइजी, अगर इस तरीके के बिजनेस आपके पास में नहीं है और आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो yatra.com की तो आप इस पर क्लिक करोगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आया है यात्रा फ्रेंचाइजी। इसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को हम फिल करेंगे, बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है। इसका भी लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करोगे और डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पे नेम हमें एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट और यहाँ पे बिजनेस किस तरीके का है, बिजनेस हो, फ्रेशर हो तो वह यहाँ पे नेचर ऑफ करंट बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है। वेयर डिड यू हियर अबाउट द यात्रा फ्रेंचाइजी बिजनेस, आपको किस तरीके से पता चला कि यात्रा का फ्रेंचाइजी बिजनेस भी है, तो आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हो, न्यूज़पेपर, यात्रा वेबसाइट या रेफरेड बाई संबंध, तो मेरा नाम भी आप एंटर कर सकते हो, टुडे मेकर या धर्मेंद्र कुमार प्रजापति। डू यू ऑन ए रिटेल शॉप, अगर आपके पास में रिटेल शॉप है तो आप यस करोगे और नहीं तो नो करोगे। फिर हमें जो भी ये वर्ड दिए हुए हैं उस वर्ड को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये तो था फॉर्म। अब हम देखते हैं कि yatra.com है उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें यात्रा की फ्रेंचाइजी के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वह हम देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2 लाख टू 8 लाख, यानी 2 लाख से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड स्टोर साइज, तुम्हारी जो सिटी है या स्टोर साइज है उसके अकॉर्डिंग वह रिव्यू करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा उसके अकॉर्डिंग। स्टोर और ऑफिस स्पेस अप्रोक्स 300 से 500 स्क्वायर फीट का आपका स्पेस होना चाहिए आपके पास में, और प्रोमिनेंट विजिबल स्पेस फॉर ब्रांड साइनेज, ये अपनी ब्रांडिंग करेंगे, विजिबल होना चाहिए, इस तरीके का स्पेस होना चाहिए। एगो गेटर एटीट्यूड, पैशन फॉर ट्रेवल एंड बिजनेस एक्यूमेन, ये होना ही चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे द फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, जो भी हम फ्रेंचाइजी लेंगे तो 3 साल के लिए होती है, उसको फिर से दोबारा से हमें रिन्यू करना पड़ता है। प्लीज़ फिल द फॉर्म टू सेंड अस योर डिटेल्स एंड वी कैन शेयर डिटेल फॉर आवर बिजनेस मॉडल एंड योर अर्निंग पोटेंशियल। जैसे ही हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो yatra.com की टीम की तरफ से हमारे पास में कॉल आएगा और वह हमें समझाएंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल काम करता है। सपोर्ट फ्रॉम यात्रा, अगर हम जुड़ते हैं फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इस तरीके के सपोर्ट हैं, आप इसको एक बार रीड कर लेना। और यात्रा स्टोर पार्टनरशिप बेनिफिट, अगर हम यात्रा के फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो क्या बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो वह बेनिफिट आप यहाँ पर रीड कर लेना। इस तरीके से हम yatra.com से एज ए पार्टनर जुड़ सकते हैं। 8 तरीके की ये सर्विस हैं जिसके जरिए हम yatra.com से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों yatra.com पर मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए हमने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करना सीखा, तो इस तरीके से yatra.com पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास में आते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास में कोई क्वेरी है और या ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।